देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी तीन फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। यहाँ मान लूंगा माना वाई बराबर में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और एक्स प्लस 5 का पावर 4। ठीक है, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ लॉग लेने पर तो हो जाएगा लॉग वाई बराबर में लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, एक्स प्लस 5 का पावर 4। यही ना हो जाएगा लॉग वाई बराबर में, यहाँ से सब अलग अलग हो जाएगा ना, इंटू में है तो प्लस में चला जाएगा, लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का पावर 4। पावर नीचे उतर जाएगा तो लॉग वाई बराबर में हो जाएगा 2, और नीचे उतरेगा ना 2 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। ठीक है, चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई वाई लॉग वाई का, और इंटू में वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखो 2 इंटू में लॉग एक्स के फॉर्म में है तो लॉग 1 बाई एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और एक्स प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू इसका आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 4, और एक्स प्लस 4 का आपको पता है 1 ही होता है, छोड़ दो, प्लस 4 इंटू यहाँ आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 5, और एक्स प्लस 5 का क्या होगा 1 होगा, इसलिए छोड़ दो। अब वाई जाके उधर सीधे गुना में चला जाएगा, तो यहाँ से वाई को ले जाकर उधर गुना में कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर में y इंटू में आएगा, तो y का वैल्यू चाहो तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू भी तो लिख सकता हूँ ना, y का वैल्यू भी लिख सकता हूँ, तो पहले y ही लिखो, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया यहाँ पर 2 बटा में x प्लस 3 प्लस 3 बटा में x प्लस 4 और प्लस 4 बटा में x प्लस 5। यही ना हो जाएगा, चलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर में यहाँ पे देखो y का वैल्यू, तो y का वैल्यू रख सकते हैं जो ऊपर था हमारे क्वेश्चन में, क्या था एक्स प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का क्यूब और एक्स प्लस 5 का पावर 4, और अंदर हम लोग एलसीएम लेने का काम कर देते हैं। ठीक है, अंदर इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5, यही ना आएगा एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस 5। देखो ऊपर यहाँ पे है 2, इसमें इसे भाग करेंगे ये दोनों बचेगा, ये दोनों जाके ऊपर गुणा करेगा ना, तो 2 के साथ इंटू में आ जाएगा एक्स प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस 5 प्लस 3, इसमें भाग करेंगे तो ये दोनों जाके ऊपर गुणा करेगा एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स प्लस 5, फिर प्लस अगला है यहाँ 4 और ये भाग करेगा तो ये दोनों जाके ऊपर गुणा करेगा एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो एक काम करते हैं, देखो x प्लस 3 एक से एक को कट जाएगा, यहाँ x प्लस 4 से x प्लस 4 एक कट जाएगा स्क्वायर बचेगा, x प्लस 5 से x प्लस 5 एक कट जाएगा क्यूब बचेगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 3, ये किसका वैल्यू है dy बाई dx का, जो हम लोग अवकलज निकाल रहे थे x के रेस्पेक्ट में, x प्लस 4 का होल स्क्वायर x प्लस 5 का होल क्यूब। चलिए अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर दिया जाए, इसमें इंटू कर दे, बाहर 2 है रहना तो अंदर आ जाएगा इन दोनों को इंटू करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है, और फिर प्लस 3 और इंटू करेंगे इन दोनों में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 15, और फिर प्लस में है 4 इंटू करेंगे इन दोनों में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यही ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर इंटू में तो दो बार ब्रैकेट हो गया, चलिए फिर उसके बाद इंटू में है एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, अंदर सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 18x प्लस में 40, 3x स्क्वायर प्लस का 24x और प्लस का 45 हो जाएगा 45, फिर आपका 4x स्क्वायर प्लस में 28x और प्लस में बच्चों का 48। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, अंदर देखो 2 3 5 और 4 9x स्क्वायर हो जाएगा,
9x स्क्वायर, 18x और 24x और 28x, तो 18, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 0 और ये 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 70x आ जाएगा, और प्लस में 40 और 45, 85 और 85 आपका, और अब 48 कितना हो जाएगा, 133, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए चलिए अगला।